बड़े बूढ़े हैं उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, क्योंकि वह फास्ट फूड नहीं खाते। जो फास्ट फूड खाते हैं आजकल के बच्चे, वो अक्सर बीमार ही रहते हैं। फिर सबसे खास बात यह है कि हम यहाँ आने के बाद इस तरह से महसूस करते हैं जैसे स्टूडेंट लाइफ है। बहुत बढ़िया मन लगता है यहाँ। यहाँ पे हमारा हंसी मजाक भी होता है, अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। ये ताश खेलना, आराम से अखबार पढ़ना और टीवी देखना, लोगों के साथ बातचीत करना, भाई क्या हो रहा है देश के बारे में, क्या हालात हो रही है। इस समय हम लोग रोहतक के एकमात्र सीनियर सिटीजन क्लब में मौजूद हैं और यहाँ की बहुत सारी खास बात हैं। ये 2010 में बनाया गया था और इसमें आपको अब अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारे जो बुज़ुर्ग जो कई बार समाज से खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं या कई बार परिवार में अकेलापन महसूस करते हैं, वो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक अपना दिन व्यतीत करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। और इस क्लब में आपको वो तमाम सुविधाएं मिले दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं वो अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से मुक्त होकर, परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर यहाँ पर रोज़ाना आते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। ये अब ये दूसरी तस्वीर देखिए कि अक्सर आपको स्कूल कॉलेजेस में आपको लाइब्रेरी देखने को मिलती होंगी, बच्चे वहाँ पर किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन हमारे बुज़ुर्ग किसी से कम नहीं हैं, वो भी यहाँ पर रोज़ाना आते हैं और यहीं पर इन्हीं कुर्सियों पर बैठकर इन्हीं किताबों से ज्ञान अर्जित करते हैं, अलग अलग विषय की। और बहुत सारी लगभग सैकड़ों हज़ारों किताबें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा अखबार भी, अखबार की भी सुविधा यहाँ पर की गई है। और ये देखिए एक अंकल जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं अखबार पढ़ते हुए। क्या कर रहे हो अंकल जी? हाँ जी, हाँ जी। क्या कर रहे हो? अखबार पढ़ रहे हैं जी। तो डेली पढ़ते हो? ऐसे हाँ, डेली आते हैं, डेली पढ़ते हैं जी। ठीक है, तो इनका कहना है कि ये रोज़ाना यहाँ पर आते हैं और डेली यहाँ पर पढ़ते हैं। दूसरा ये मल्टीपर्पज़ हॉल अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर बने हुए हैं जो बुज़ुर्ग हैं उनके, और वो रोज़ यहाँ पर आके अपने ग्रुप में बैठते हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या दिनचर्या रहती है, क्या शुभ नाम क्या है अंकल जी आपका? तुषार सिंह शर्मा। तो डेली आते हैं आप यहाँ पर? डेली आता हूँ। क्या करते हैं, घर पे क्यों नहीं रहते आप लोग? घर पे इसलिए बता तो दिया मैंने भाई, घर पे जो है ना सारा दिन बोर हो जाए। अब बच्चे तो अपने काम पर चले जाए, अम्मी अभी भी रहते हैं, अब वो फिर थोड़ा बहुत इतना काम कुम कर ले, मैं यहाँ घूम घाम जाऊँ, अपने साथियों में बैठ कर अपना टाइम पास करें। यानी कुछ अपनी बात कहते हैं, कुछ दूसरे की सुनते हैं, आपस में मतलब शेयर करते हैं, तो वो दिन भर की बोर्डम जो है वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ 2 बजे तक हम रहते हैं, 2 बजे के बाद घर चले जाते हैं। मन लगता है यहाँ पर? बहुत बढ़िया मन लगता है यहाँ। यहाँ पे हमारा हंसी मजाक भी होता है, अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। अब जैसे ये भाई साहब हैं, अभी बता रहे थे 19 साल का था जब भर्ती होया, 19 साल फौज में नौकरी करी, 19 साल फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करी, और फिर अब जो है ना अपने पारिवारिक लाइफ में जो है तो व्यस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह। बस ये 15-20 दिन की इंतज़ार और है, 20% मिलने वाले हैं इसको, 80 का हो जाएगा, 80 में जो है ना गवर्नमेंट 20% देगी। ठीक है, कई दिन रह रहे हैं आपके, वो 20% लगने में कई दिन बाकी हैं? 8 दिन बाकी हैं, फिर 20% मिल जाएगा इसको, 20% मिलते हैं ये जवान हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और आपको बता दें कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं अनुभव का खजाना समझे जाते हैं। इनके पास अनुभव इतना है कि जब हमारे जैसी पीढ़ी को जब ये साझा करते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। एक ग्रुप और हमारे साथ हैं, शुभ नाम क्या अंकल जी आपका? रणधीर सिंह मलिक। क्या करते थे आप पास्ट में और अब कैसे दिनचर्या चल रही है आपकी? सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या ये ताश खेलना, आराम से अखबार पढ़ना और टीवी देखना, लोगों के साथ बातचीत करना, भाई क्या हो रहा है देश के बारे में, क्या हालात हो रही है, जैसे पहलवाना जगह जैसे पहलवान बातचीत देते हैं, मतलब सुबह से शाम तक वो आराम से बातचीत करते रहते हैं।
किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई बीमारी है। अब ठाट से रहते हैं और घूमते फिरते सब रहते हैं। तो क्या करते थे वैसे आप? मैं पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट में था। अच्छा, पुलिस की अब वो नौकरी छोड़ मतलब रिटायर होकर और अब यहाँ पर? अब 9 में रिटायरमेंट हुआ था। अच्छा, 9 से ले गए, अब यही क्लब है। सुबह 8 से ले गए शाम को 8 बजे तक यही ताश खेलना, घूमना फिरना। अब खाना खा खाएँगे 3 से ले गए 7 बजे, फिर यही खेलना, ताश खेल लेंगे, बात करी जाएंगे, बातचीत करते करते अपने टाइम पूरा करते रहे। अच्छा, मैं देख रहा था यहाँ पर अखबार और मैगजीन भी कुछ लोग पढ़ते हुए दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 4-5 अखबार आते हैं, 4-5 अखबार पढ़ते रहते हैं सभी। डेली बिल्कुल रूटीन का काम है, सवेरे नहा धो के खाना खा के आ जाते हैं और फिर 1-1.5 बजे फिर चले जाते हैं, उसके बाद चाय पानी पी के फिर आ जाते हैं, फिर शाम तक बैठते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात थी यहाँ पर जो मेरे को बता रहे थे कि जब किसी का जन्मदिन हो या कोई और कोई कार्यक्रम करना हो तो उसकी व्यवस्था करते हैं, कैसे करते हैं आप लोग? वैसा है, जिस किसी के इंडिविजुअल का बर्थडे होता है तो बर्थडे के ऊपर वो अपनी खुशी से तो कह देता है भाई मैं अपना प्रोग्राम करूँगा क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, या किसी के परिवार में किसी के ग्रैंड सन का बर्थडे होता है या ग्रैंड डॉटर का होता है तो वो यहाँ आगे ना सेलिब्रेट कर देते हैं, मेरे कुलीक हैं, मेरे साथी हैं तो मैं यहाँ कर देता हूँ, इस तरह सामूहिक उसमें उनका वो हो जाता है। तो कैसे दिनचर्या रहती है आपकी यहाँ पर? दिनचर्या क्या, ब्रेकफास्ट करने के बाद में यहाँ जाते हैं, फिर लंच टाइम हो जाता है फिर चले जाते हैं, लंच करने के बाद में तो फिर 1.5 घंटा अपने आराम करके फिर यहाँ जाते हैं, तो अखबार पढ़ते हैं या टीवी देख लेते हैं, आपस में हंसते हैं, बोलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं समाज के बारे में, क्या बुराइयां चल रही हैं, क्या अच्छाइयां हैं, देश में क्या चल रहा है उसके बारे में अपना डिस्कस करके हंसी खुशी से हर तरह का आदमी आपस में बैठते हैं। तकरीबन सभी गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं यहाँ पे, अलग अलग डिपार्टमेंटों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, तो बहुत बढ़िया है, आपस में तालमेल है, हंसते हैं, बोलते हैं। अच्छा, हंसी की बात चल रही थी, मेरे को बता रहे थे कि कपिल शर्मा शो से भी बढ़िया इनका ग्रुप है, ये क्या कारण है? ये ऐसा है, एक तो सारे समझदार हैं, रिटायरी हैं, 60 साल से ऊपर हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट से हम सब इकट्ठे हैं, सब अपने अपने अनुभव यहाँ साझा करते हैं और उसके उससे आगे ये है खास बात है कि हमारा एक इस तरह का ग्रुप है, जैसे हम इस तरह का एंजॉय करते, ताश खेलना, लाइब्रेरी या जो चीज़ चाहिए आपस में, भाई पुलिस का पूछना है, एग्रीकल्चर या किसी के बारे में, घर में खेती भी कर रहे हैं मेरे भाई या और उस तरह से, उनको भी कोई बात का सवाल आ जाए तो उसका जवाब भी यहाँ तैयार है क्योंकि सारे अनुभवी हैं। और फिर सबसे खास बात यह है कि हम यहाँ आने के बाद इस तरह से महसूस करते जैसे स्टूडेंट लाइफ है। पुराने दिन याद कर ले। बिल्कुल, ये मेरे क्लास फेलो हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, ये हेडमास्टर साहब हैं, कभी स्कूल की बातें चल पड़ी तो अच्छा, फिर अच्छे हंसी मजाक भी करते हैं, पहले जो नादान उम्र थी उसमें तो आपस में झगड़ा भी हो जाता था, अब सारे समझदार हैं, कोई बात कह दे चलो यार इसने बहुत बढ़िया की, सारे पॉजिटिव सोचते हैं और नई पीढ़ी है उनके नए हमारे विचारों मरून में काफ़ी गैप है, इसलिए विचारों का वहाँ जो है ना हमारा मेल जोल नहीं बनता, यहाँ अच्छे आपस में एक दूसरे के विचार मिलते हैं और यहाँ खूब आनंद आता है। और मैं तो ये कहता हूँ एक इनके बारे में सरकार ने इसके बारे में अच्छा बढ़ावा देना चाहिए, और भी कार्यक्रम सरकार बहुत अच्छे करती है लेकिन ये काम है ना मेरी अपनी समझ से इसके बारे में बढ़ाना देना चाहिए, क्योंकि खुशी के लिए हर आदमी मैं फलाना काम करूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास ये चीज़ हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ जो है ना एक खुशी जो है ना बिल्कुल आराम से और सब आपस में हम खूब बांटते हैं, कोई दुख तकलीफ हो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं और जो है ना यार ये कोई बात नहीं, ये तो मेरे साथ जो है ना 10 साल पहले बीती थी तो हम आपस में अच्छा ठीक है और आपस में एक दूसरे से सेटिस्फाई हो जाते हैं, एक दूसरे की कोई तकलीफ भी है, कोई बीमारी है या कोई भी किसी तरह सामाजिक कोई बात है उसके बारे में मेरे परिवार में या आपके परिवार किसी के परिवार में कोई बात सामाजिक कोई बात होती है तो उसमें सब मिल करके और उसको दूर भी करते हैं और बहुत सारी बातें हैं, जितनी देर आप हमारे से बात करोगे कोई कोई नई बात याद आती रहेगी। अंकुर जी और आपका स्वागत है, आया करो। तो ये सब लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, बातचीत करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। और आप मुझे जानकारी दे रहे थे कि कोविड में आपके किसी साथी के साथ कुछ नहीं हुआ, वो क्या था? कोविड में किसी साथी के साथ है, कोई किसी को बुखार तो ज़रूर हो गया था लेकिन डेथ किसी की नहीं।
तो ऐसा क्यों, क्या विशेष था, क्या वजह थी? वो बड़े बूढ़े हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, क्योंकि वह फास्ट फूड नहीं खाते। जो फास्ट फूड खाते हैं आजकल के बच्चे, वो अक्सर बीमार ही रहते हैं। आपके कितने लोग हैं यहाँ पर ग्रुप में और कैसे मैनेज करते हैं? ग्रुप तो यहाँ चलते ही रहते हैं सुबह से शाम तक, पता ना कितने ग्रुप होते हैं। वैसे टोटल यहाँ की जो रजिस्ट्रेशन के अनुसार 90 से अधिक व्यक्ति हैं। आप अपने समय पर आते रहते हैं, जिसको जो समय सूट करता है उसी समय आते हैं। जैसे वह 96 साल का है, वह शाम को आएगा, अगर शाम को अगर आप होते तो उनको भी दिखाते। 96 साल का है, रोज आते हैं शाम को। हाँ, रोज आते हैं। और बिल्कुल मतलब ना कोई छड़ी ले ना और के में चलते हुए आपको दिखाई देंगे, आप यूँ कहेंगे ये 96 का हो ही नहीं सकता। तो शुक्रिया। ये कुछ कहना चाहते हैं, बात कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, मेंबर बनता है साल के 100 रुपये, लाइफ के 500 रुपये। और जो सबसे बढ़िया चीज़ है, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को यहाँ पूरा प्रोग्राम था, झंडा फहराया जाता है। वो झंडा देखे होगा आप, लगा रखे हैं 9:30 बजे से लेकर 11-12 बजे तक पूरे प्रोग्राम, गाने बजाने, नाच, लड़कियों का गाना गुना, सब सबसे बढ़िया प्रोग्राम यहाँ होते हैं। आप लोग मैनेज करते हो पूरा? आप खुद करते हैं, हम अपने खाने पीने का, चाय पानी का, जो भी है सब कुछ। कोई झंडा फहराएगा या तो उसकी तरफ से, नहीं तो कमेटी कराते हैं सब सौदा। शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से सीनियर सिटीज़न क्लब में ये जो बुज़ुर्ग यहाँ पर रोज़ आते हैं, बातचीत करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, अपनी दिनचर्या यानी कि जो घर से हटकर अपना पूरा समय यहाँ पर देते हैं और तमाम वो बातें करते हैं जो रोज़ाना इनकी ज़िंदगी में कई बार इन्हें तकलीफ़, दुख तकलीफ़ में ले जाती हैं। अपना जो अकेलापन है, उस अकेलेपन को, उस खालीपन को दूर करने के लिए भी यहाँ पर रोज़ आते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में इनसे एक दूसरे से चर्चा करते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वो तमाम वो सारी चीज़ें करते हैं जिनसे एक दूसरे को खुशी मिलती है और अच्छे से एक दूसरे का साथ निभाते हैं। शुक्रिया।